कुंभ राशि, 4 जुलाई की दोपहर 1 बजे के बाद बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके पांच सपने सच भी होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको 4 जुलाई की कुंभ राशि भविष्य बताने वाले हैं। दोस्तों इस दिन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा, कौन से बातों का ध्यान रखना है, धनराशिफल, लव राशिफल, करियर राशिफल और आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, सभी बातें विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोज आपको हर रोज देखने को मिले और इसी से आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान भी लगा सकते हैं। तो समय ना गवाते हुए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों आपका समय बहुत ही बेहतर रहेगा। इस समय का सदुपयोग करके आप उन अवसरों को ढूंढिएगा जो कि आपके आसपास ही हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ नए विषयों पर आप काम कर सकते हैं जिसका आपको भारी मुनाफा भी मिल सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आने की संभावना भी बन रही है। किसी महत्वपूर्ण काम में जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। परिवार के किसी सदस्य से खुशखबरी मिलने की संभावना बन रही है। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों का शीघ्र ही प्रेम विवाह हो सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। मानसिक रूप से आप हल्का महसूस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। नौकरी से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है। आपके सोचे हुए कोई रचनात्मक कार्यों में परिवार का कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। पैसों से संबंधित क्षेत्र में भी आज अचानक बदलाव के योग बन रहे हैं। कहीं से अचानक धन लाभ की कोई खबर आपको प्रसन्न कर सकती है। अचानक से कोई अनपेक्षित खर्च आपके सामने आ सकते हैं। अपनी मन की बातों को प्रकट करने में किसी प्रकार का कोई संकोच ना करें। दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। केवल परिश्रम से ही आपके दिन भर के काम पूरे होंगे। किसी काम को लेकर अधिक उतावलापन आप में हो सकता है लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतने की भी जरूरत है। अधिक उत्साह से भी कोई हानि हो सकती है। आप अनजाने में किसी ऐसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जो कि वह व्यक्ति आपको परिचित ही ना हो। दोस्तों कभी कभी अनपरिचित व्यक्ति को मदद करना भी बहुत ही खुशी जो कि महसूस कराता है। आपके मन में सहानुभूति का भाव रहेगा। अपने मन के अनुसार चलना भी आपके लिए लाभदायक होगा। पैसों की स्थिति को लेकर मन में कोई चिंता है तो अपनी मेहनत से आप उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह की बड़ी खुशखबर आपको इस दिन सुनने को मिल सकती है उसको जान लेते हैं। दोस्तों खुशखबरी बहुत सारी मिल सकती है, उसमें से कैटेगरी वाइज हम आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आप कोई लड़की देख रहे हैं या फिर लड़का देख रहे हैं शादी के लिए, तो आपको इस दिन जो सामने वाला रहेगा उनकी तरफ से एक पॉजिटिव जवाब सुनने को मिल सकता है, जहां से आपकी शादी की शुरुआत जो कि शुरू होगी। साथ ही साथ जो लोग हॉस्पिटल में बहुत दिनों से एडमिट थे या फिर बहुत दिनों से किसी रोग से जो कि पीड़ित थे, तो उनको भी उससे छुटकारा आज के दिन मिल सकता है। साथ ही साथ जो व्यावसायिक व्यक्ति हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं, कुछ छोटा मोटा धंधा करते हैं, तो उनको भी अपने क्षेत्र में आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ खेतीबाड़ी करने वाले लोगों को अगर कोई अपने खेतीबाड़ी के लिए कोई औजार लेना है या फिर कोई ट्रैक्टर या फिर किस तरह की कोई साधने लेना है तो वह भी आज के दिन आप ले सकते हैं। कुछ इस तरह की खुशखबरी आज आपको सुनने को मिल सकती हैं जैसे कि आप सच में खुशी से झूम उठेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसको भी जान लेते हैं। अपनी शक्ति व कमजोरी को जाने
और कमजोरियों को सुधारने की दिशा में प्रयास करें। अगर आप अपने अंदर की कमजोरियों को जानेंगे तो उस कमजोरियों को आप जरूर कम करेगा, उस कमजोरियों को आप निकाल कर डालेगा, वरना उसी का फायदा, जो कि गलत फायदा, आपके करीबी व्यक्ति या फिर कोई लोग उठा सकते हैं। दोस्तों, आपका सकारात्मक और कभी ना हार मानने वाला रवैया आपकी पहचान है, जिससे लोगों के बीच आप प्रसिद्ध हैं। सेल्स के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि नए संबंध बनाने का सुनहरा मौका आपको मिलने वाला है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें ताकि भविष्य में आपको परिणाम भी अच्छे मिले। दोस्तों, परेशानियों में कुछ लोग निराश तो हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग आगे बढ़कर अपनी मंजिल पा लेते हैं। सबकी राय जो कि अलग अलग रहती है। अगर प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी परेशानी आपके जीवन में आए तो माथा पकड़कर बिल्कुल भी ना बैठे। उसको ठीक कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सोचे और उसके तहत जो कि कार्य करना शुरू कर दे। करियर राशिफल की बात करें तो अगर हाल ही में घर पर या कार्यस्थल पर दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उनके विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन में निराश बिल्कुल भी ना हो। जो भी मार्ग पकड़ा है उस पर अडिग रहना है। अंत में हो सकता है जीत आपकी हो। आप चाहे ऑफिस में काम करते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं, आपको किसी ऐसी शांत जगह की तलाश करनी चाहिए जहां आप बिना किसी व्यवधान के पढ़ या काम कर सके। आप पाएंगे कि आपका ध्यान अपनी जिम्मेदारियों से भटका हुआ है। आज आप अपना ध्यान केंद्रित कर सके तो आप पाएंगे कि आप बहुत आगे निकल गए हैं। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो प्रियजनों को आपकी आवश्यकता है। आप अपने साथी से विचारों को शेयर करेंगे और भविष्य की योजना बनाना भी आपको खुशी देगा। आपको नकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है। अपने साथी को स्पेशल महसूस कराएं, उसके लिए उसे मनपसंद उपहार देना या फिर कैंडल लाइट डिनर का प्रबंध करना, दोनों अच्छे विचार रहेंगे। अपने साथी के साथ भरपूर रोमांस में डूब जाने का दिन है। अविवाहित लोग जो कि लंबे समय से चली आ रही दिनचर्या से बोरियत महसूस कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि आप अपनी बोरियत भरी दुनिया से बाहर निकलकर जोशपूर्वक कुछ कार्यकलाप करें। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अगर आप छाती के दर्द या फिर गले की समस्या से परेशान हैं तो लापरवाही ना करें। स्थिति गंभीर नहीं है तो ध्यान रहे आप खुद को आराम दें और खानपान पर विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशि भविष्य रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।